सही लग रहा है। अब ये वाला अनार मेरे को लगता है सबसे बढ़िया होने वाला है, वोल्केनो। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what is up guys? Welcome to Vlogs back here Dubai. क्या हाल चाल है? आज हम करने वाले हैं सारे यूनिक क्रैकर्स की स्टैश की टेस्टिंग। अंकल जी इस बार आए हैं बहुत सारे पटाखे अलग अलग से, तो सबके करते हैं टेस्टिंग स्टार्ट। अभी जो लाइट्स है ना दिवाली की, अंकल जी हरी वो सेट कर रहे हैं, बिकॉज अंकल जी हरी लाइट लगाई थी और सारों की ऐसी की तैसी हो गई है। Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. अंकल आपसे एक लाइट नहीं लग पाई ना, ये देखो दिवाली की लाइट अंकल जी को मैंने बोली थी, ये नीचे गिर रही है देखो सारी। अंकल जी आप रोज ऐसा कर रहे हो कि कल चिपकाऊंगा कल चिपकाऊंगा, दिवाली आपकी निकल भी जाएगी और आपकी लाइट नहीं लगेंगी। मनोज मैच देखने में अंकल पूरा दिन मैच ही चलता है पूरा दिन भाई लगे रहो लगे रहो। लेकर आए हो और पंछी लेकर आए हो भैया, क्या क्या पटाखा लेके आए हो? देखो ये जो आएंगे ना इसके अंदर अनार है और इसमें पंछी की आवाजें निकलती हैं एंग्री बर्ड्स की। अच्छा। ठीक है ये ड्रोन है, ये वोल्केनो है, इसके अंदर ऊपर स्काई शॉट बजता है और ये अनार भी है पहले। अच्छा। और फिर एक ये है कुछ चॉकलेट बॉम्ब। अच्छा आपने कभी ना कभी खाई होगी चॉकलेट जो आप खाते रहते हो मीठा। सही बात। और ये देखो ये इसमें हाथी की सूंड से पटाखे निकलते हैं। अच्छा कैसे लग रहे हैं सारे? ये पहली बार आया है। हाँ नया नया आया सब कुछ ये, तो आज हम यही टेस्ट करने वाले हैं। पहले देखते हैं। बिल्कुल चलते हैं अंकल जी टेस्टिंग करते हैं। ट्रस्ट मी गाइस दिवाली पे आप लोगों को स्टैश के अंदर ना बहुत ज्यादा मजा आएगा, बट उससे पहले ना हम पूरे अपने स्टैश की टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बड़ा आइडिया मिल जाए कि जो पटाखे सारे इस बार नए नए आए ना वो कैसे हैं। तो गाइस अब शुरुआत कर रहे हैं एंग्री बर्ड से, और ये कितना देखो क्यूट सा लग रहा है रेड कलर का, ऊपर से यहाँ पे ये ब्लू कलर के अंदर भी एंग्री बर्ड है और ये चॉकलेट बॉम्ब। चलो गाइस अब जरा देखना इसके अंदर क्या सीन बनता है पूरा, ध्यान से इतना डरो मत। अच्छा इसमें आवाज थी बर्ड जैसी बस ये मान लो। भाई जरा इसको देखो ये ड्रोन है पूरा, और देखते हैं कैसे ये उड़ता है। तो इसको जरा फायर करते हैं, इसमें यहाँ से आग लगाना। अंकल देखो ऐसे भागते हैं डर के मारे, ये देखो गया इसको इसलिए ड्रोन बोलते हैं। जो ड्रोन है ना मेरे को बहुत सही लगा, तो दोबारा से जरा ड्रोन चलाते हैं एक बार। ये पूरा ऊपर उड़ रहा है ड्रोन की तरह यार, बहुत नाइस है भैया बहुत ही अच्छा। अब बारी है पप्पू शावर की, इसमें ना देखो ये नाक से निकलता है पूरा स्मोक। ये मेरे को लग रहा है खराब हुआ हुआ पटाखा, शायद खराब तो नहीं है, पता नहीं भैया कुछ आइडिया नहीं है। देखो सूंड तो खराब हुई है, देखो उसकी सुरी उल्टी है देखो, बहुत सही है यार ये एलिफेंट वाला सही लग रहा है इसलिए बोलते हैं पटाखों को भी हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए। सही लगा यार ये फोटो, टोटली वर्थ था 200-250 रुपए का था ये। अब बारी है चॉकलेट बॉम्ब की, इसको जलाते हैं। इसमें 5 पीसेस मिले हैं, मुझे इसका कुछ भी आइडिया नहीं इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जला देते हैं। देखो इसने आगे सुन रही है कि इसके अंदर हमने लगा दिया इसके एक सिरे में, कहीं बम बनाओ बस ये होगा जरूर लगेगा। बम है ये, मुझे नहीं लग रहा बम है ये, चक्री है। ओए 4 चक्रियां एक के अंदर। अब ये है मेरे पास में टिक टैक, और इसमें ना ये अनार जाकर के फिर ऊपर जाकर स्काई शॉट बनेगा, तो ये अनार बहुत सही होगा, स्काई शॉट भी देखते हैं इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये गाइस देखो शुरू हो चुका है हमारा अनार, और अब जाएगा स्काई शॉट की तरह। बहुत देर तक चल रहा है यार ये, तो टोटली वर्थ है मेरे को लग रहा है अभी ये। स्काई शॉट टोटली वर्थ इट, उसमें अनार भी था। और ये है आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट अनार है, इसका नाम है वोल्केनो, ये भी इस वक्त यूनिक क्रैकर है, तो इसको भी ट्राई करते हैं स्टैश के अंदर। देख लो अंकल जी एक बार आइडिया ले लो कि बिल्कुल ये बीचों बीच लगाना है यहाँ पर। हाँ जी सुतली तो है नहीं, सुतली नहीं है ना अनार है, तो बम थोड़ी है। अब ये वाला अनार मेरे को लगता है सबसे बढ़िया होने वाला वोल्केनो। हाँ भाई भाई चली जा रहा है। A few moments later. स्टैश टेस्टिंग के बाद हम आ गए हैं खाने के लिए कुछ केक एंड ऑल, अंकल जी साथ ही आए हैं। गाइज आप लोगों ने आज देखा यूनिक क्रैकर्स का पूरा व्लॉग, तो खत्म करते हैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ही।
अंकल जी थोड़ा ऐसे हो गए थे कि कितने ऐसे पटाखे लेकर आए हैं इस बार हम। सही बात है ना। तो गाइस इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर। अंकल जी इस बार आपको मैं बर्थडे पे पार्टी दूंगा एक नंबर की। ऐसी कौन सी पार्टी दोगे भैया? क्योंकि मैं तो हूंगा नहीं ना। अब अंकल जी को याद आया मैं तो कहां हूंगा। ये मुझे पिंच कर रहा था भैया ऐसे बोल रहे हैं भैया रहेंगे नहीं।